बीजेपी ने यूपी चुनाव के मद्देनजर 91 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। और खास बात ये कि प्रतापगढ़ से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के सामने बीजेपी ने महिला प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद कुंडा विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। इस जगह से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक दल के मुखिया राजा भैया खुद मैदान में है और उनका इस क्षेत्र में प्रभाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रतापगढ़ में सभी प्रमुख दलों के कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन चुनाव में राजा भैया के सामने पड़ने की हिमाकत मन से तो कोई नहीं करना चाहता। ऐसे में बीजेपी के महिला प्रत्याशी का मैदान में उतरना क्या मायने रखता है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से गुलशन यादव, जो कि कभी राजा भैया के खासम खास रहे, वो भी चुनावी मैदान में है और बसपा के प्रत्याशी का अभी इंतजार है। कुल मिलाकर भाजपा प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिव प्रताप मिश्र की पत्नी सिंधुजा इससे पहले प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से बसपा के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़ चुकी हैं और उस वक्त वो दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार टक्कर सीधी राजा भैया से है, जिनका प्रभाव उस क्षेत्र में ऐसा है कि कोई भी प्रत्याशी उनके आगे टिक नहीं पाता। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प रहेगा कि राजा भैया के आगे सिंधुजा कहां तक टिक पाती हैं।